कर दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे इस पंकज पेट्रोल में। दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए, बहुत ही कम क्वेश्चन जो कि आप लोगों के इंपॉर्टेंट हर साल आता है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं, जो कि हमारा इस केस से लगा हुआ है उसी क्वेश्चन को सिर्फ हम बताएंगे। तो दोस्तों ये हमारा है एक क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित, यह हमेशा हर साल आता है, ये आपका 5 नंबर क्लियर जो 8 पृष्ठ पर है। तो दोस्तों हम पढ़ते जा रहे हैं, आप लोग देखिएगा हमारा सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में और क्या होता है समीकरण, ये जो हमेशा आता है, ये 3-3 नंबर क्लियर 15 पृष्ठ पर। तो दोस्तों सिर्फ हम मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, बेकिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमेशा आता है केमिस्ट्री का है जो। तो दोस्तों हम पलटते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा जो इस केस से लगा हुआ है, इसमें आप लोगों को केमिस्ट्री में बहुत ही कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ। परमाणु की चारों संयुक्ता में लीबेल वन ठाप की धारा सचित्व वर्णन, ये हमेशा आता है, सन भी दिया है, यह आपका नंबर केमिस्ट्री का क्लियर हो जाएगा। दीर्घ विस्तरीय में आप लोग पासिंग मार्क पास जाएंगे, 80-90 तो कहीं नहीं गया। और ये IPSC तो जो हमेशा आता है, जो आप लोग के सामने है, इतने सन में आया हुआ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम मार्क्स। तो दोस्तों साबुन क्या है इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये हर साल आता है, हर साल आता है। तो दोस्तों मैं इतने कम क्वेश्चन में सिर्फ इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। मेंडलिव के आवर्त नियम में आधुनिक आवर्त नियम के अंतर को स्पष्ट कीजिए, हमेशा आता है। तो दोस्तों अब 5 नंबर का क्लियर आपका हो जाएगा। और जो मेंडलिव आवर्त साड़ी के गुणक एवं दोषों का जो 7 अंक का जो विदीर्घ में आता है 46 पृष्ठ पर है, ये हमेशा आता है। तो दोस्तों केमिस्ट्री का हम आप लोग का क्लियर कर दे रहे हैं। और अब बायोलॉजी में आ जाइए, जो कि मनुष्य के पाचन तंत्र नामांकित चित्र बनाइए, हमेशा आता है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, बायोलॉजी आपका 5 नंबर विस्तृत क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही कम पृष्ठ में हम आपको बता दे रहे हैं। तो दोस्तों ये है धमनी और सिरा में अंतर जो 60 पृष्ठ पेज पर है, जो ये हमेशा आता है, आपको पढ़ना जरूर है, आपके नंबर क्लियर हो जाएंगे। ब्रिकाण निप्राणु मतलब निप्राण की संरचना क्रिया विधि, इसके बारे में पढ़ लीजिए, हर बार बार आता है, जो सिर्फ कम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के हृदय संरचना, ये वाला तो सर ने बताया ही होगा, ये बहुत हर बार आता है, ये दीर्घ में आप लोग का 5 नंबर क्लियर बायोलॉजी का। दोस्तों ऐसे कम क्वेश्चन है। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, ये सिर्फ परिभाषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का और फिजिक्स केमिस्ट्री का, आप लोग का मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, बहुत ही कम क्वेश्चन, आपको अधिक ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। पुष्प का नामांकित चित्र हम इसके बारे में भागों में पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है। दोस्तों मादा और नर का जनन तंत्र की चित्र जो जरूर आता है बनाने के लिए, अनुवांशिक को परिभाषित कीजिए तथा इसका खोज और मेंडल का नियम जो दोस्तों आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, मेंडल का नियम जो कि बहुत बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, ये मेंडल के नियम, ये इतने सन में आया जो हर बार आता है, मेंडल के नियम आपको शॉर्ट में करके लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों लेमार्कवाद और डार्विनवाद की तुलना, ये हमेशा आता है, आपको हमेशा दे रहे हैं, 93 पृष्ठ पर जो आपका दिया हुआ है, ये हमेशा आता है। तो दोस्तों हम फिजिक्स में अब आ जाते हैं, फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही कम क्वेश्चन जो कि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी को मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों IBUF में संबंध जो निगमन सूत्र, ये हमेशा आता है, ये हर साल आता है। दोस्तों इसको शॉर्ट में सिर्फ आपको वही करना है, चित्र बनाकर स्पष्ट कर देना है। तो दोस्तों हम बहुत ही कम क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट सिर्फ क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, जो हर साल आता है, हर वर्ष आता है। तो दोस्तों हम लोग पेज पलटते जा रहे हैं, आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अधिक नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। दोस्तों ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हर साल आता है फिजिक्स में। तो दोस्तों पेज पलटते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो कि इस केज से सिर्फ टिक लगा है, पूरा नहीं, सिर्फ इस केज से। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ये उतना, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, फैराडे के नियम जो कि हर बार आता है, ये बहुत ही, और विद्युत उसका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, वही फैराडे के नियम में आता है। और दोस्तों यह आप सभी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि दीर्घ में हर बार आता है और आएगा भी, इतनी बार आया आप लोग के लिए, देख लीजिए सन विद्युत जनित्र यानी कि
प्रत्यर्थी धारा और दिष्ट धारा, इसको आप लोगों को समझ कर पढ़ लेना है, ये जो कि हर बार आता है, इसी पे ज़्यादा नंबर आप सभी को मिलता है। तो दोस्तों हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ख़त्म हो चुका है, जो कि हमारा पर्यावरण एकदम बाच में बॉटनी में जो है सिर्फ एक क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, मानव समाज को होने वाले लाभ सहित समुचित विवरण कीजिए, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम शब्दों में इंपॉर्टेंट। आई होप दोस्तों आप लोगों को पसंद आई ये कम क्वेश्चन, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कक्षा 10 विज्ञान यूपी बोर्ड 2022 के लिए। तो दोस्तों धन्यवाद, हम वीडियो समाप्त करते हैं।